लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं, कितनी हमें आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें कुछ बातें जानना आवश्यक होती है। जैसे कि अपन टाइडल एयर किसको बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति आराम करते वक्त हमें ज़्यादा सांस की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हम काफ़ी कम सांस लेते हैं, हम उसको आराम कर सकते हैं, तो उसमें आधा लीटर सांस लेते हैं लगभग अपन अंदर लेते हैं। जबकि इंस्पायरेटरी रीजन बोलिंग यानी गहरी सांस लेने के लिए हमें ढाई लीटर से अधिक अपने को आवश्यक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जो एक्सपायरेटरी रीजन बोलिंग होती है, मतलब कि हम दौड़ते वक्त या कोई हम कुछ शारीरिक क्रिया कर रहे हैं तो लगभग हमें 4 लीटर तक की सांस की आवश्यकता होती है, सांस लेने की आवश्यकता होती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है हर व्यक्ति के शारीरिक क्षमता के अनुसार मतलब सांस लेना और छोड़ना, अलग अलग लोगों में कैपेसिटी अलग अलग भिन्न होती है। और जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर O2 क्योंकि वातावरण में 20.93% है, 20.93% है, लेकिन सांस छोड़ते वक्त भरे हमें 16.96% होती है, नाइट्रोजन 79.04% होती है, छोड़ते वक्त वो सेम ही रहती है 79.04%। और CO2 क्योंकि वातावरण में 0.03% होती है, लेकिन सांस छोड़ते वक्त 4% सांस से बाहर आती है।